हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीबा सिंह बिंदास। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ ऊटी में और गाइस आप देख सकते हो यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। सो गाइस, मैं आपको बता दूँ कि ऊटी घूमने के लिए आपको ऐसे मिनी बस अवेलेबल है यहाँ पे। सो मिनी बस में आपको 200-250 पे करने हो और पूरा ऊटी आपको ये घुमा देगी। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारे गाइड ने पूरा इन्फॉर्मेशन दिया कि वो हमें कहाँ कहाँ लेके जाने वाले हैं। इसके बाद हम लोग लेके जाएंगे आपको आर्मी एरिया, मद्रास रेजिमेंटल सेंटर। उधर नीचे अलाउड नहीं है, आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पे गाड़ी के अंदर से फोटो खींच सकते हैं। विपिन रावत मालूम है एरिया पे जाएगा हम लोग, ठीक है। बाद में टी गार्डन लेके जाएगा, 2500 लीटर का टी गार्डन। उसके अंदर जाके नीचे उतर के फोटो खींच सकते हैं, डांस कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, अभी मैं हूँ सिंघारा टी गार्डन में और अभी मैं कुन्नूर और ऊटी का पूरा विजिटिंग प्लेस एक्सप्लोर करूँगी। सो गाइज, आप मेरा वीडियो लास्ट तक देखना। और गाइज, आप देख सकते हो आज का मौसम कितना सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हो यहाँ का मौसम कितना सुहाना है और अचानक से ऐसे आज फॉग आ गया है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और ऊटी वैसे भी टी गार्डन के लिए फेमस है और टॉय ट्रेन के लिए तो सबसे ज़्यादा। सो गाइज, यहाँ पे पूरा आप वहाँ ऊपर तक जाके पूरा घूम सकते हैं और फोटो सेक्शन कर सकते हैं। नीचे भी फ़ोटो सेक्शन कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा और ऊपर जाती हूँ और अच्छे से पूरा एक्सप्लोर करूँगी, थोड़ा फ़ोटो शूट करूँगी। आपको पता होगा कि इसी पत्ते का चाय पत्ती बनता है, इसे पहले सुखा के फिर इसका प्रोसेसिंग होता है मशीन में और तब जाके फिर चाय पत्ती बनती है। सो ये ऐसे ताज़े ताज़े पत्ते होते हैं, उसे तोड़ के बनाते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लोर किया और जब हम आए थे तो तभी धूप थी, बट अभी का मौसम देख सकते हो कितना अच्छा हो गया है। वैसे यहाँ पे एक घंटे या दो घंटे बिता लो कम ही पड़ेंगे, बहुत ही अच्छा है। ऊटी का ये स्वर्ग से कम नहीं दिख रहा है गाइस, अब देख सकते हो स्वर्ग से कम नहीं है ये। सो अब हम यहाँ से जाएंगे अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। बेसिक रीजन है वाली फूड प्रोडक्ट, खाने वाला आइटम। म्यूजियम्स को लोग करते हैं, मशीन सिर्फ रोल करके दिखा के इधर देखे आ जो इधर ले लो वो जैसा लोग करते हैं। असली चाय का फैक्ट्री पे टूरिस्ट अलाउड नहीं है। मोस्टली नीलगिरी पूरा 7 लाख एकर के ऊपर टी प्लांटेशन रहता है, 5000 के ऊपर टी फैक्ट्री भी रहता है, किधर भी टूरिस्ट अलाउड नहीं। इवन तमिलनाडु फार्मेसी एम जलदा मैडम का प्ली टी प्लांटेशन भी इधर रहता है, मिथुन चक्रवर्ती का प्रॉपर्टी भी इधर रहता है, किधर भी टूरिस्ट अलाउड नहीं। यहाँ पे 200 टी प्लांट रहता है ना, ये तीनों पत्ता तो निकालना पड़ेगा, हाथ में तोड़ना पड़ेगा, मशीन से कट करना जैसा नहीं है। बीच में छोटी वाली बड़ रहता है ना, इसमें निकालने वाला तो ग्रीन टी बोलता है। कैंसर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, वेट लॉस, एंटी एजिंग, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन, थायराइड, सबके लिए बढ़िया मेडिसिन ग्रीन टी करना एक्सपायरी। आपका डिप मिल रहा ना लिप्टन टेटली में टी बैग, टी बैग में क्या हो जाएगा, गर्म पानी में डाल के रखने का टाइम कलर आ जाएगा। आप लोग 5 साल 10 साल के ऊपर पीना तो भी बिल्कुल फायदा नहीं रहेगा। सो गाइस, अभी हम लोग है सिंघारा टी फैक्ट्री के यहाँ पे और यहाँ पे चाय भी टेस्ट करने देते। सो मैं अभी टेस्ट करके देखती हूँ कैसा लगता है चाय। बहुत टेस्टी है गाइस, इधर कभी आओगे तो एक बार ज़रूर ये चाय ट्राई करना, चॉकलेट फ्लेवर का है, बहुत टेस्टी है। यहाँ पे चाय पत्ती तो मिलती ही है, बट आप देख सकते हो कि यहाँ पे गरम मसाले भी सारे अवेलेबल है। यहाँ पे एकदम फ्रेश यहाँ पे सारे गरम मसाले मिल जाते हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स या घर वालों के लिए लेके जा सकते हो आप यहाँ से। सो गाइज, अभी मैं हूँ अपने नेक्स्ट लोकेशन पे, ऊटी ले और बोट हाउस दोनों एक ही है। सो इसका अभी यहाँ से एंट्री टिकट अडल्ट का 15 रुपीज़ है और उसके बाद अब अंदर जाके बोटिंग का टिकट अलग से लेना पड़ता है। सो अभी हम लोग अंदर जाके देखेंगे कि अंदर क्या क्या एक्टिविटी है। सो चलते अभी अंदर।
सो गाइज, अगर आपको बोटिंग करना है तो उसका प्राइस देखिए, 2 सीटर का 300, 4 सीटर का 400 और 8 सीटर का 20 मिनट के लिए 900, 10 सीटर का 1100। इसमें आप शेयरिंग में भी जा सकते हो 8 सीटर और 10 सीटर में। तो अगर हम 3 सीटर पे जाते तो पैंडल मारते मारते ही हम थक जाते, तो हमने डिसाइड किया 8 सीटर पे जाने का और 900 रुपये टिकट लेके चल पड़े अब हम। तो गाइस, हम लोग अभी जा रहे हैं 8 सीटर पे बोटिंग करने के लिए और हम लोग 2 लोग थे और 6 फ्रेंड और इकट्ठा करके अब हम लोग राइड करने जा रहे हैं। शौर्या बोट चला रहा है और शौर्या हमें पूरा घुमा रहा है ऊटी लेक। कितना खुश है देखो शौर्या। तो गाइज, हमने बहुत एंजॉय किया और यहाँ पे 8 सीटर में आके आप ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो। अगर 2 सीटर या 4 सीटर में आप जाओगे तो पैडल मारते मारते ही थक जाओगे। सो 8 सीटर बेस्ट है राइड के लिए। सो गाइज, इसमें थोड़ा भीड़ कम है और शौर्या भी बहुत रो रहा था कि मुझे इसमें बैठना है, तो अभी हम लोग इसका राइड करेंगे। बोट हाउस मैंने एक्सप्लोर कर लिया, अब हम यहाँ से जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन पे। सो चलते हैं अब नेक्स्ट लोकेशन पे। सो गाइस, अभी हम लोग आए थ्रेड गार्डन के यहाँ पे, बोट हाउसिंग के जस्ट सामने में है थ्रेड गार्डन। सो अभी हम लोग अंदर चलते और अंदर जाके एक्सप्लोर करते और देखते अभी इसका अंदर का एंट्री प्राइस क्या है। ये है टिकट काउंटर और यहाँ पे अडल्ट का 20 रुपीज़, नहीं अडल्ट का 30 रुपीज़ और चाइल्ड का 20 रुपीज़ है। हिंदी हाँ, नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल, सब धागे से बना, फूल पत्ती घास त्रस से बना, 6 करोमीटर दागी 50 लड़की में 12 साल गार्डन बना के लिए, बिना सुई बिना मशीन हाथ से बना, बिना कलरिंग सब नेचुरल दागे के कलर, लास्ट 6 काउंटर में सैंपल छू के देखो, पत्थर लकड़ी ओरिजिनल, फूल पत्ती गर्मी थ्रेड वर्क, एवरीथिंग मेड ऑफ थ्रेड, स्टोन स्टैंड वुड रॉक्स ओनली ओरिजिनल, एवरीथिंग फ्लावर्स पेटल्स लीव्स ग्रास फंगस आल्सो थ्रेड। ओके, थैंक यू। सो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा ये आर्टिफिशियल है, रियल नहीं है, और यहाँ पे गाइड रहती है, सबके बारे में बताती है। सो आपने देखा कि गाइड ने हमें सब बताया। सो गाइज, ये भी देखने लायक है, ये सारा पूरा थ्रेड से बना हुआ है, इसीलिए इसका नाम थ्रेड गार्डन रखा है। ये कोई भी रियल नहीं है, सारा आर्टिफिशियल है, ये सारा आर्टिफिशियल है, बट देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है, लग रहा है जैसे सारा रियल हो। यहाँ पे जो थ्रेड का सैंपल है वो देख सकते हैं टच करके। सो देखते हैं हम लोग भी, तो आप देख सकते हो ये ऐसे धागों से बनाया हुआ फूल और पत्ती है, सच में बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपको खरीदना है तो खरीद भी सकते हैं।
पेट पूजा करना भी ज़रूरी है क्योंकि अब लग गई है जोरों की भूख। तो मैंने यहाँ की स्पेशल डिश बुक की है, सो बहुत ही टेस्टी है। सो गाइज, अभी हम लोग आ गए हैं कैथी वैली व्यू पॉइंट पे और यहाँ से व्यू बहुत ही अच्छा दिखता है। यहाँ पे आके फोटोग्राफी कर सकते हैं, इसीलिए हमें यहाँ पे लेके आया है। सो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे, चलिए। सो यहाँ से व्यू पॉइंट देख सकते हो, यहाँ पे नीचे टॉय ट्रेन का ट्रैक भी दिखता है यहाँ से। बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ पे देखने मिलता है। तो अभी हम फ़िलहाल है ऊटी के आर्मी ट्रेनिंग सेंटर पे। यहाँ पे आर्मी के सभी लोगों को एक बार ज़रूर आना पड़ता है, ऐसा हमें गाइड साहब ने बताया है। सो यहाँ पे नीचे उतरना तो अलाव नहीं है, बट मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ कि ऊटी का आर्मी ट्रेनिंग सेंटर कैसा है। और यहीं पे ऊटी में हमारे देश में जो सेकेंड वार हुआ था उसके मेमोरियल में ये बनाया गया है। तो बहुत ही सुंदर है यहाँ पे, ये सब देखने लायक है। सो गाइज, अभी मैं हूँ लैमरॉक व्यू पॉइंट पे और इसे स्लीपिंग लेडी व्यू पॉइंट भी कहते हैं। सो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। सो गाइज, ये देख सकते हो ये माउंटेन को क्यों स्लीपिंग लेडी बोलते हैं, क्योंकि ये ऊपर से लगता है जैसे कोई लेडी सोई हो, इसीलिए इसका नाम स्लीपिंग लेडी माउंटेन है। और यहाँ से पूरा नीचे का पूरा सिटी दिखता है, मेट्टुपलायम भी पूरा दिखता है। सो देख सकते हो यहाँ का व्यू कितना सुंदर है। अभी मैं आ गई हूँ डॉल्फिन व्यू पॉइंट पे। तो अंदर जाने का 10 रुपये का टिकट है, तो हम लोग अभी अंदर जाके देखेंगे। मैंने ऊपर आने के बाद यहाँ वहाँ खूब देखा कि डॉल्फिन की नोज दिखेगी, बट ये जो सामने पत्थर आपको आगे डॉल्फिन के नोज जैसा दिख रहा है, यही है डॉल्फिन नोज, इसलिए इसे डॉल्फिन नोज व्यू पॉइंट कहते हैं। तो ये जो बड़ा सा गार्डन आपको दिख रहा है, यहीं पे राजा हिंदुस्तानी मूवी की शूटिंग हुई थी। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी मूवियों की शूटिंग हो चुकी है। सो गाइज, अभी हमें दूधा पीटा पीक पॉइंट पे और यहाँ पे है
ये जीप लाइन और जस्ट उसी के बगल में है टी फैक्ट्री। सो यहाँ पे जीप लाइन और भी सारी एक्टिविटी है, सो यहाँ पे कर सकते हैं। अभी हम लोग टी फैक्ट्री जाके एक्सप्लोर करेंगे। एक मिनट आवे छे लोग। ये सारी मशीनें हैं टी फैक्ट्री की और अभी हम लोग देखेंगे अंदर जाके कि टी कैसे बनता है। सो अंदर जाने के 20 रुपीज़ टिकट है, फिर अंदर एंट्री है। यहाँ पे अंदर आते ही आप देख सकते हो यहाँ पे ऐसे पोस्टर लगे हैं, यहाँ पे पूरी जानकारी लिखी है कि यहाँ पे चाय पत्ती बनाने का प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ और किन्होंने स्टार्ट किया, सारा यहाँ डिटेल में लिखा हुआ है, तो आप यहाँ आके पूरा पढ़ सकते हो। सो सबसे पहले चाय पत्ती को ऐसे धूप में सुखाते हैं, उसके बाद नीचे मशीन है, तो मैं आपको नीचे मशीन दिखाती हूँ। ये ऐसे मशीनें हैं, इन मशीनों में चाय पत्ती के पत्तों को प्रोसेसिंग में डाल के, और देख सकते हो अभी भी प्रोसेसिंग चल रहा है। देख सकते हैं वहाँ से पूरा चाय पत्ती बन के यहाँ पे निकल रहा है ऐसे। और यहाँ पे फिर पैकिंग हो रहा है, सारी चाय पत्तियाँ जो साइज़ के हिसाब से अपने ऑटोमेटिकली अलग हो जाती है, देख सकते हो सब अलग हो रही है। यहाँ पे अंदर आने के बाद एक कप चाय मिलता है सबको। यहाँ की भी चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी है, 10 रुपये के टिकट में 10 रुपये का चाय फ्री, तो यहाँ अंदर आने का कोई चार्जेस ही नहीं है। तो अभी चाय पी के मैं आ गई हूँ बाहर, और फैक्ट्री के जस्ट बगल में ही एग्जिट के यहाँ पूरा यहाँ पे एकदम फ्रेश टी मिलता है। तो अगर आपको घर के लिए या किसी को देने के लिए लेके जाना है तो लेके जा सकते हैं। और यहाँ पे ये यहाँ आयुर्वेदिक ये सब बनी हुई तेल है। टी फैक्ट्री से जैसे निकलोगे तो उसके सामने में है चॉकलेट फैक्ट्री। सो चलिए अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं। ये चॉकलेट फैक्ट्री तो लिखा है, बट यहाँ पे प्रोसेसिंग आपको नहीं देखने मिलेगा कैसे बनता है। यहाँ पे आप खरीद सकते हो घर ले जाने के लिए। बस यहाँ पे 2-4 मशीनें हैं, वो अभी बंद पड़ी है, प्रोसेसिंग देखने नहीं मिला, बट चॉकलेट यहाँ पे मिल जाएगा। फिर चॉकलेट फैक्ट्री देखने के बाद जस्ट उसके नीचे ये पूरा ऐसा मार्केट है, यहाँ पे स्वेटर, पर्स, मसाले वगैरह सब मिलते हैं। सो गाइस ये था दूधा पिटा पीक। सो यहाँ पे मैंने पूरा एक्सप्लोर किया, यहाँ भी बहुत सारी एक्टिविटी थी करने के लिए, और चाय फैक्ट्री का तो अलग ही अच्छा लगा जाके अंदर, वहाँ का चाय बहुत ही टेस्टी था। सो अब चलेंगे हम लोग नेक्स्ट लोकेशन पे।
गाइस, अभी मैं हूँ बोटानिकल गार्डन में और उसका टाइमिंग है 7 AM to 6:30। सो अभी हम लोग अंदर जाके पूरा एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले अभी टिकट लेती हूँ, फिर अंदर चलते हैं। इसका क्लोजिंग टाइम 6:30 है, तो 6:30 के पहले ही गाइस मैं अंदर आ गई हूँ। और ये गार्डन बहुत ही बड़ा है, इसे पूरा एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 2 घंटे तो चाहिए। शौर्य को देखो यहाँ पे सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे ही मस्ती कर रहे हैं। तो देख सकते हो कितना सुंदर ये गार्डन है, बहुत ही सुंदर है। और इसको एक्सप्लोर करने के लिए कम से कम 2 घंटे तो चाहिए। ऊटी आके और बोटैनिकल गार्डन नहीं आए तो मानो हमारा ऊटी का ट्रिप अधूरा ही है। सो इसकी सुंदरता इतनी है कि ये देखने लायक है, बहुत ही सुंदर है। आप खुद ही देख सकते हो कि कितना सुंदर ये गार्डन है। इसकी सुंदरता की जितनी ही तारीफ की जाए वो कमी है। बहुत ही सुंदर लग रहा है मुझे यहाँ के। तो गाइज ये देख सकते हो प्लांट के कटिंग करके कितना अच्छा डिज़ाइन बनाया गया है, कितनी मेहनत से इस गार्डन को बनाया गया होगा। चलूं? ठीक है, मज़ा आ रहा है। सो यहाँ पे शौर्य बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा है बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहा है यहाँ पे शौर्य। गाइस, ऊटी का मेरा साइड सीन आज का ख़त्म हो गया और अब शाम भी हो गई है और बहुत ज़्यादा थक गए। सो कल हम लोग जाएंगे टॉय ट्रेन में, सो उसका वीडियो मैं कल अलग से डालूंगी। सो वो वीडियो भी मेरा आप ज़रूर देखना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।